हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। सो प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे खत्म कर सकते हैं? बहुत बार ऐसा होता है कि हम बस बेड पे लेटे रहते हैं और बोलते हैं कि यार मतलब आज नहीं करेंगे, आज इतना काम मतलब नहीं कर सकते, लेजी फील करते हैं हम, मतलब सोते हैं बस, लेजी फील करते हैं, आज नहीं करते हैं, कल करते हैं, और फिर कल जब आएगा बोलेंगे कि परसों करते हैं। तो इस तरह का मतलब डिले होते जा रहे हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं पूरा परमानेंटली? तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए एक बढ़िया बेस्ट ट्रिक इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल मिस्टर ज्योति एंड हिट द नोटिफिकेशन बटन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और उस ट्रिक को जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है एक्चुअली। तो ट्रिक है टू शो अप। टू शो अप का मतलब होता है अगर आपके पास कंप्यूटर में और लैपटॉप में काम करने के लिए बहुत सारा इम्पोर्टेंट काम है लेकिन आपको लेजीनेस बहुत सारा है, आप बेड पे लेटे हो और आपका काम करने का मन नहीं है अभी, यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग दैट थिंग। सो आप उससे कैसे निकलेंगे, उस प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे और फाइनली उस काम को ख़त्म करेंगे, उसके लिए आपको ये शो ऑफ करने का ज़रूरत है। शो ऑफ मतलब आपको कुछ सोचना नहीं है, आपके दिमाग में ये आना नहीं है कि मैं इतना सारा काम करूँगा। जब आपका दिमाग सोच लेता है कि मैं इतना सारा काम करूँगा तो आपका जो लेजीनेस है वो बढ़ जाता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप इतना सोचो मत, बस आपका जो चेयर है उस चेयर पे आके बैठ जाओ और आपके जो कंप्यूटर है उसको बस ऑन कर दो। ऑन करने के बाद इंटरनेट को कनेक्ट कर दो और गूगल पे यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करो, दो मिनट तक कुछ भी सर्च करो, कुछ भी मोटिवेशन, कुछ भी देखो। और उसके बाद आपको अंदर से आवाज़ आएगा कि अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो बहुत काम है। और उसके बाद आपको जो भी काम है वो आप उस टाइम पे कर दोगे, ये पूरा गारंटेड है, आप करोगे ही करोगे। क्योंकि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल अभी दूंगा, क्योंकि ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, इस वीडियो को बनाने के लिए मेरे को बहुत लेजीनेस फील हो रहा था, मतलब नहीं यार आज नहीं करता है, मतलब कल टाइम तो है, कल करेंगे। क्योंकि संडे को अपलोड करना है, संडे और थर्सडे को मेरा 9:30 PM दो वीडियो अपलोड होता है एक वीक में, तो संडे को अपलोड करना है, आज मैं अभी जो अपलोड वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी है थर्सडे, तो मेरे को लगता है कि यार नहीं यार मतलब कल करते हैं, कल तो टाइम है और क्या। लेकिन फिर मैंने लेजीनेस को ख़त्म किया और उसके बाद आके यहाँ पर चेयर पर बैठा। चेयर पर बैठने के बाद वो जो कैमरा था, कैमरा को ट्राइपॉड पर लगाया और ट्राइपॉड पर लगाने के बाद उसको बस ऑन किया कि यार मेरे को बस ये वीडियो शूट करना है। तो उसके बाद मैंने वीडियो अभी जो शूट कर रहा हूँ उससे बाद में शूट कर रहा हूँ, मतलब ये जो मेरा लेजीनेस था, मतलब मैंने बेड पे सोया हुआ था, सो उससे बाद मतलब मेरे को काम था, मेरे को संडे को अपलोड करना था, लेकिन मैं लेजीनेस को ख़त्म किया कैसे, ये चेयर में बैठ के और कैमरा को ट्राइपॉड में लगा के ऑन करके। उससे बाद मैंने बोलना शुरू किया और अभी जो वीडियो शूट हो रहा है, अभी जो आप देख रहे हो उसका रिजल्ट है। तो इस तरह आप इसको अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको जिम करना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जिम में एक दिन जाते हैं और एक दिन में तो एक महीना का फी दे देते हैं और एक दिन दो दिन फोर्सफुली जाते हैं और उसके बाद पूरा छूट जाता है, मतलब उसको कंटिन्यू कैसे करेंगे, मतलब लेजीनेस को कैसे ख़त्म करेंगे। अगर आपको आप दौड़ना चाहते हो, सुबह आपको एक घंटा रनिंग के लिए जाना है, तो आप क्या करोगे, बस आप शू पहन लो और अपने आप आ जाएगा कि यार नहीं बाहर थोड़ा जाएंगे, और बाहर जब थोड़ा जाएंगे तो आप वहाँ पर रनिंग स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे होता है, मतलब शो ऑफ करना होता है कि देख मेरा एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मतलब जो भी एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ वो मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस है कि मैं जब भी मेरे पास बहुत सारा कपड़ा होता है साफ़ करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक कपड़ा लेके एक बकेट में डाल देता हूँ, बकेट में डालने के बाद वो सर्फ डाल देता हूँ, तो एक लेने के बाद फिर मन करता है यार इतना सारा तो है, इतना सारा मतलब
ड्रेसेस हैं साफ करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ फिर दूसरा जितना भी है उसको लेके डाल देता हूँ। तो ये क्या हुआ कि एक लिया मैंने, लेकिन उसके बाद सारा जितना कपड़ा साफ करने के लिए था उसको मैंने फिर लेके बकेट में डाल दिया, और बकेट में डालने के बाद साफ तो करना ही पड़ेगा। तो ये आपको मतलब काम करवाती है। अगर छोटे आपका जो शुरुआत काम है अगर उसको पूरा इजी कर दोगे, उसको अगर पूरा इजी कर दोगे तो जितना भी काम है वो अपने आप आपको हो जाएगा, अपने आप को मतलब वो काम आप कर लोगे, लेजीनेस जो है आपका वो ख़त्म हो जाएगा। आप मतलब तुरंत आप कर्म करोगे और प्रोक्रेस्टिनेट मत करोगे कि कल करेंगे या 10 घंटा बाद करेंगे, ऐसा मतलब सोचोगे ही नहीं। तो और एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आप रात में खाने के बाद बहुत लेजी फील करते हो लेकिन आपको बर्तन धोना है, तो आप क्या करोगे, एक बर्तन लेके बेसिन पे चले जाओ, वहाँ पर एक बर्तन बसते हो, तो एक बर्तन माइंड में रख लो कि मेरे को बस एक बर्तन है और उसको धोना है, लेकिन आपके पास रियल में 15-20 बर्तन होगा, लेकिन आपको मेंटल माइंड में रखना है कि बस एक बर्तन में धोगा। जब आप एक बर्तन धोगे तो उससे बाद आपका जो मेंटलिटी हो जाएगा कि नहीं यार एक तो धो लिया और सबको धोने के बाद ही मैं जाऊँगा, तो ये मेंटलिटी आ जाता है और अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इस काम को बोलते हैं शो अप रूल, मतलब आपको कहीं पर भी कुछ भी कितना भी काम करना हो बस आप रेडी होके वहाँ पर हाजिर हो जाओ। अगर आपको कोई भी चीज़ एक बुक पढ़नी है, ये दिमाग में मत रखो कि पूरा सारा बुक, मान लो कि 1000 पेज का बुक है तो आपको ये दिमाग में मत रखो कि 1000 पेज का बुक पढ़ना है, ये दिमाग में रखो कि मेरे को बस फास्ट जो 2 पैराग्राफ्स है उसको बस कंप्लीट करना है आज। अगर 2 पैराग्राफ्स आप कंप्लीट कर दोगे फिर उसके बाद अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा कि अरे यार दो और, तो इंटरेस्ट आ जाएगा अपने आप, अरे 2 पैराग्राफ तो अभी पढ़े हैं, अरे उसके बाद आप गारंटी देके कहता हूँ कि आप 2 पेज क्या 20 पेज भी पढ़ लोगे। तो ये होता है शो अप रूल का पावर, द पावर ऑफ शो अप रूल। सो कोई भी काम अगर आपको करना है, अगर आपको जिम ज्वाइन करना है, अगर आपको योगा करना है, अगर आपको योगा करना है तो आप बस योगा मैट को अपने सेल्फ से बस निकालो और नीचे डालो और बस ऐसे बैठ जाओ, मतलब कुछ योग माइंड में मत सोचो कि मेरे को योगा करना है, बस योगा मैट को निकालो उससे उस पर बैठ जाओ और शांत में बैठ जाओ और उसके बाद अपने आप योगा करोगे। तो ये होता है शो अप रूल। सो इसको इस्तेमाल मैंने हर चीज़ में करता हूँ और आप भी उसको यूज़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन जो होता है उसको पूरा पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हो, उसको पूरी तरह से मिटा सकते हो, लेजीनेस जो आपके अंदर है उसको पूरी तरह से मिटा सकते हो। अगर आपको कुछ भी वीडियो शूट करना है, कुछ भी लिखना है, कुछ बुक पढ़ना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है, कुछ भी करना है बस वहाँ पर चले जाओ। अगर आपको जिम जाना है, कुछ बॉडी सिक्स पैक एब्स बनाना है, वो एक दिन का काम नहीं है, वो सालों का काम है, लेकिन आपके दिमाग में अगर आ रहा है कि यार इतना उठाना है, इतना वेट उठाने के बाद जाके ये बनेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ये दिमाग में सोचो कि यार मेरे को बस जिम को जाना है, 2 मिनट अगर हो सकता है तो 2 मिनट में जाके आना है, 5 मिनट हो सकता है तो 5 मिनट जाके आना है, बस शो अप करना है। अगर आपके पास कंप्यूटर में कुछ काम करना है बस चेयर में बैठ के कंप्यूटर का बस अर्न करना है, अगर कुछ बुक पढ़ना है तो बुक का 2 पैराग्राफ बस पढ़ना है। तो ये होता है शो अप रूल, मतलब कुछ भी काम करो, करने का अगर काम मन नहीं कर रहा है बस वहाँ पर जाके बैठ जाओ, चेयर में बैठ जाओ, अपने आप काम होते चले जाएगा। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपने इस ट्रिक को अप्लाई किया अपने लाइफ में तो आपको मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये बहुत सारा आपको फ़ायदा देगा, बहुत सारे आप काम इजीली कर पाओगे और फास्ट कर पाओगे। जो काम आप मतलब 2-3 दिन बाद कर ले वाले थे वो काम आप अभी के अभी करोगे, बहुत सारा प्रोडक्टिविटी आपका बढ़ जाएगा। तो
थैंक यू अभी तक देखने के लिए, अगर आप अभी तक देख रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो इट विल हेल्प देम ऑल्सो. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.